नगर से विकासपुरी और तिलक नगर की तरफ जो रोड जाता है वहाँ का रूट है। एंड देखिए कितना खाली है, अक्सर यहाँ पे बेसिकली रेड लाइट पड़ता है तो यहाँ पे ट्रैफिक होता है, बट आज देखा जाए तो वीकेंड कर्फ्यू की वजह से ज़्यादा लोग बाहर नहीं है तो थोड़े बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन इतना भी भीड़ नहीं है। एंड रोड काफ़ी जो है हवा चल रही है ठंडी ठंडी, क्योंकि एक्चुअली में बारिश हुई थी थोड़े टाइम पहले और शॉप्स थोड़े बहुत खुले हुए जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड हम विकासपुरी रिलायंस मॉल पहुंच चुके हैं, ये यहाँ का एंट्रेंस है, एंट्री है यहाँ से। एंड देन दूसरी साइड ही दो गेट है यहाँ पे, तो दूसरी गेट जो मैं एग्ज़िट के टाइम पे बताऊँगी वो एग्ज़िट है और यहाँ पे एंट्री है। और देख सकते हैं व्यू कितना सुंदर हो रहा है बारिश की वजह से, और ये यहाँ पर प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, लाइटिंग है, आगे ऑडिटोरियम है। एंड फिर उसके बाद हम यहाँ से जो है सीधे सीधे जाएंगे तो यहाँ पे एंट्री आएगी, और इस तरफ यानी कि जो सामने जिस तरफ से ये स्कूटी जा रही है ये आपको सामने दिखा रहे हो, ये एरिया जो है वो पार्किंग एरिया है, यहाँ से आप अपने कार को या टू व्हीलर को पार्क कर सकते हैं। और आगे जाने के बाद हमारा बेसिकली ये काफ़ी सुंदर सा जो है वो व्यू बना हुआ है, और ये ऑडिटोरियम है बहुत बड़ा। पहले यहाँ पे बेसिकली टिकटॉक वीडियोस वगैरह भी लोग बनाने के लिए काफ़ी लोग आते थे, जो मैंने आपको अभी वहाँ से दिखाया था, यहाँ से पार्किंग एरिया है ऐसे वहाँ से जाने के बाद नीचे, और ये पूरा यहाँ का ग्राउंड ऑडिटोरियम टाइप है, यहाँ पे पार्क टाइप में बना हुआ है पूरा, तो इसका ऑप्शन लग रहा है। और अभी जो है सारे डिपार्टमेंट में बहुत लोग हैं बाकी चीज़ों की, अभी जो ऑन है वो सिर्फ ग्रॉसरीज का है, तो हमें जो भी ग्रॉसरीज का सामान लेना है जो भी लेना है वो अभी लेंगे। एंड थोड़ा सा हम यहाँ से इसी बहाने में आपको आज रिलायंस मॉल भी दिखा दूंगी। ये रिलायंस मॉल विकासपुरी में है, उत्तम नगर के नियर जो विकासपुरी पड़ता है वहाँ पर है मेन रोड पर। और ऐसा लग रहा है ना सारा कुछ खुला हुआ मॉल में, हाँ मास्क लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ से एंट्री करने के बाद अभी सामने से जस्ट स्टेयर से एंट्री करते ही और स्टेयर से हम ऊपर जा रहे हैं ग्रॉसरीज डिपार्टमेंट की तरफ, तो यहाँ पे हम देखते हैं आगे कि क्या क्या ओपन है, किस तरीके से हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं ग्रॉसरीज की, लेट्स गो। एंड हम यहाँ पे एंटर कर चुके हैं, एंट्री के टाइम पे वीडियो ऐसे नहीं बनाए, कई लोग मना भी करते हैं, मतलब इतना मना नहीं है बट थोड़ा बहुत मना भी है यहाँ पे। और ये अंदर बेसिकली यहाँ पे आपके स्नैक्स वगैरह की चीज़ें मिल रही हैं, चीज़ हो गया, ब्रेड हो गया, और उसके बाद यहाँ पे भी आ रही है सामने ही आप देख रहे हैं कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के डिपार्टमेंट है, आगे जो है वो कर्ड वगैरह मिल रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे सर मतलब बेसिकली बटर चीज़ सारी चीज़ें अवेलेबल है इस साइड की तरफ, यानी कि एंट्री करने के जस्ट सीधे सीधे जाके एंड में कोने के साइड में मिलेगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं ले रही हूँ, जैसा कि जो तो बोला गया था घर से, गाइस आप कहीं भी कुछ भी लेते हैं, इवन एक मॉल में कई लोग मॉल में बिलीव करते हैं कि चीज़ों में एक्सपायरी डेट नहीं होती है, बट आप कभी भी ले तो एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें उसकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ख़ास करके वो चीज़ें जो कि मतलब बेसिकली ब्रेड हो गया या कुलचा टाइप चीज़ें जिसे मैंने कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी
नहीं बोला था माइट बी मुझे चाय पत्ती नहीं बोला था शुगर के लिए बोला था हाँ शुगर ले लेता कॉफी का भी लेना मैंने बोला तो बता नहीं कॉफी का लेना होगा कॉफी ले लेते हैं हाँ ठीक है कॉफी देख लेते हैं अच्छा वो लेना है कुछ बिस्किट वगैरह अच्छा बिस्किट अच्छा लगता ये जो है ये है हमारे कुछ खाने पीने की चीजें बिस्किट वगैरह यहाँ पे हैं नैपकिन वगैरह हैं और यहाँ पे ये मैगी डिपार्टमेंट है मैगी मिल रहा है सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी हाँ यहाँ पे लेकिन नहीं कई ऐसी चीज़ें भी मिलती हैं जो नहीं होती हैं अक्सर मतलब कई मॉल्स में नहीं मिलती ना यहाँ पे मिल जाती है रिलायंस में तो मैगी देख लेते हैं ले ले तो ऑफर वाला देखते हैं ना इतने भी अमीर नहीं है हम ऑफर वाला देखेंगे वो बिस्किट डिपार्टमेंट उधर था तो तूने उधर से लिया नहीं तो मैगी ले ले पहले बनाने की भी जरूरत नहीं है सो सुपर फास्ट अरे हाँ यस नीचे हमें पार्किंग में थोड़ी जाना है पकड़ लियो बस चल बेबी डॉल हम आपको कवर कर रहे हैं हम आपको कवर दे रहे हैं
ये थी लॉकडाउन की स्टोरी। एंड ये थोड़ी सी बदतमीजी हुई, बदतमीजी क्या, मेरे को ना इसको गोल गोल घुमाने का मन कर रहा था, मैंने गोल गोल घुमा दिया, तब तक तो कुछ नहीं हुआ, एकदम से गार्ड अंकल है वैसे ही मैं रुकी और मैं फटाफट आगे चली गई। तो ये शायद सामान मैगी से हाथ में आ गया मेरे, क्योंकि ये आया नहीं, ये लेके जा रही थी बैग में, और मैं इधर जा रहे हैं और उधर का जो गेट था जिधर से हमने एंट्री करी थी वो लॉक कर दिया गया है पीछे से, तो मैं अभी इधर से जा रही हूँ। इधर एक और गेट है दूसरी तरफ, मतलब कि अगर आप इधर विकासपुरी अग्रवाल की तरफ से आएंगे तो पार्किंग वाला गेट है, और अगर उस तरफ से आएंगे आप तिलक नगर वाले रूट की तरफ से तो एग्ज़िट रूट है वहाँ पे, मतलब कि एग्ज़िट यहाँ से पार्किंग का है। वैसे तो एक गेट लॉक कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ नाइट। लुक एट दिस, रात का व्यू रिलायंस मॉल का लुक ऑसम लग रहा है, ये एरिया पूरा, और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह से, और अभी जो जाके मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है, मतलब कि बारिश भी बंद हो गई है और मौसम भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना पूरा पानी भरा हुआ है, और लुक एट दिस, मेरे शूज गीले होने वाले बेटे, और वो मेरी फ्रेंड ने बोल दिया मत जाइए, इसलिए मैं नहीं गई, वरना मैं जाने वाली थी, पूरा नहीं गई प्रॉपर, ये तो पूरा घुस गई, और लुक एट दिस क्या कर रही है, इसका पूरा शूज गीला होकर रोने लग गई है क्योंकि इसको पता ही नहीं चला, और इसको पता चला इसने मुझे जैसे बोला मत जाइए, मैं वैसे ही वहाँ से बैक कर गई। और यहाँ पे नॉर्मल डेज में ये झूले भी हैं बच्चों के, ऐसे यहाँ पे बच्चों के झूले भी हैं अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो नॉर्मल डेज में, क्योंकि अभी तो आपको पता ही है कि जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड सारी चीज़ें बंद है, और मुझे ये सारा रूट बता रही है कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है और किस तरीके से आना है। देखिए ऐसे पानी भरा हुआ है, और फाइनली एग्जिट रूट पर आ गए हम लोग, ये जा रहे हैं यहाँ से, ये एरिया देखिए वहाँ से, ये इसका दूसरा एग्जिट है, हम वहाँ से जाने वाले हैं, और टाटा बाय बाय। रिलायंस मॉल से आपको थोड़ा बहुत लॉकडाउन में क्या यहाँ का सिनेरियो था, कैसा था, हम दादी यहाँ पे गार्ड अंकल जी भी बैठे हुए हैं, सो हम जा रहे हैं बाय बाय। ये आपका एग्जिट एरिया है यहाँ से, ये आपका रिलायंस मॉल से अग्रवाल के हमने खा लेते हैं। इट्स टाइम टू पाव भाजी के एंड अग्रवाल पे पाव भाजी खाने का अपना ही मजा है, यहाँ पे पाव भाजी का कैसा मिल रहा है। तो हम लोगों ने शॉपिंग कर ली लॉकडाउन में, मीन शॉपिंग क्या, ग्रॉसरी जो लेना था वो हमने ले लिया, घर का सामान सारा, और उसके बाद हमने खाया गोलगप्पे खाए, पाव भाजी खाया, मन तो और भी कुछ खाने का था लेकिन टाइम हो रहा है, टाइम से घर पहुंचना है, रूल्स इज रूल, तो रूल के अकॉर्डिंग टाइम से घर भी पहुंचना था, तो हमने फिर ऑर्डर ले लिया और